ब्लड कैंसर से मुक्ति। एनडी चावला जी, जो कि सेक्टर 35 चंडीगढ़ में रहते हैं, वे अपने जीवन में घटित अनुभव बताते हुए कहते हैं, जनवरी 2002 में मेरे बड़े पुत्र को बुखार आया था। डॉक्टरों को दिखाया तो किसी ने मलेरिया कहकर दवाइयां दी, तो किसी ने टाइफाइड कहकर इलाज शुरू कर दिया। दवाइयां लेने से शरीर नीला पड़ गया और सूज गया। शरीर में खून की कमी होने से 6 बोतलें खून चढ़ाया गया। इंजेक्शन देने से पूरे शरीर को लकवा मार गया। पीठ और पेट का एक्सरे लिया। डॉक्टरों ने उसे वायु का बुखार तथा रक्त का कैंसर बताया और कहा कि उसके हृदय का वाल्व चौड़ा हो गया है। जो जो इलाज किए त्यों त्यों मर्ज बढ़ा दिया। यह है अंग्रेजी दवाइयों और इंजेक्शनों का काला मुंह। फिर भी हम चेतते नहीं, अब हम हिम्मत हार गए। गुरुजी के सिवाय कोई सहारा नहीं था। हमने पूज्य श्री की कुटिया की परिक्रमा की एवं श्री आशा रामायण का पाठ किया। गुरुजी की करुणा कृपा बरसी और 18 दिनों में ही मेरा पुत्र चलने फिरने लगा। अब वह पूर्णतया ठीक हो चुका है। मैं उन महापुरुष की जीवन गाथा को बार बार नमन करता हूं, जिसके श्रद्धा संयुक्त पाठ से मेरे पुत्र को जीवन दान मिल सका, और भक्त भाइयों से प्रार्थना करता हूं कि वे नित्य इसका मंगलमय पाठ किया करें। हरिओम।